अस्सलाम वालेकुम सब अहले वतन को, बकरा ईद का तीसरा दिन मुबारक हो। तो आज हमारे घर आए हुए मेहमान, तो आप लोग देख सकते हैं एक अहमद है, बाकी मेहमान है जो के इस व्लॉग में शामिल नहीं होना चाहते, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज अहमद, बड़ा अहमद आप लोग देख सकते हैं ईद पे आया हुआ हमारे घर, और अहमद छोटा अहमद और अजान भी हमारे साथ मौजूद हैं, और चलते हैं देखते हैं इस व्लॉग में कि अहमद और अजान आज ईद के दिन क्या करते हैं, क्योंकि आप पता है कि बारिश हो रही है, इस वजह से हम कहीं बाहर भी नहीं गए, तो लेट्स सी कि इस व्लॉग में क्या होता है। तो चलते हैं अहमद और अजान की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि अहमद, बड़े अहमद ने उठाया हुआ छोटे अहमद को, तो अहमद छोटा अहमद हो रहा परेशान, तो देखते हैं कि ये क्या बातें करते हैं। चल अहमद इसको छोड़ दो नीचे, अहमद अभी खुद ही बातें करेगा। तो अजान देख सकते हैं कि आप वहाँ पे बैठा हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा है। अजान क्या सोच रही, आपके हाथ में क्या है ये? तो ये आप देख सकते हैं कि अजान को बाहर से मिली है गाजर, ये गाजर खाने के चक्कर में। तो ये आप किधर बैठ रहे हो हैं? तो अहमद भी मेरे पास आ चुका है, तो चलते हैं बड़े अहमद की तरफ। अहमद तो बताएं आपकी ईद कैसी जा रही है? आज है ईद का तीसरा दिन है, अच्छी गुजर, क्या अच्छी गुजर रही है? अच्छी का मतलब मैं कुछ समझ रहा हूँ कि कैसे गुजर रही है आपकी, आप कुछ सही बताना नहीं जा रहे। अच्छी का मतलब आप लोग ये समझते हैं कि हल्की फुल्की, आप समझ लें जो कि अहमद के कहने का मतलब है, जो कि मुझे समझ आ रही थी कि इसको कुछ खास मज़ा आ नहीं रहा है चीज़ से। अहमद ऐसी बात है, तो और आपने क्या क्या किया आज ईद के दो दिन? क्या किया आज तीसरा दिन? दो दिन तो अच्छे गुजरे, आज बोर हो रहे हैं। आज बोर, और सब गोश्त वगैरह बांट दिया आपने सब रिश्तेदारों में, तो आज फाइनली आप हमारे घर आए हुए हो, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अच्छे का मतलब, अच्छे का मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हैं। तो चलते हैं अब इसके साथ ही अहमद और रजान की तरफ, के वो देखते हैं क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। अहमद आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो आप देख सकते हैं कि अहमद और अजान यहाँ पे खिड़की में खड़े बाहर देख रहे हैं। नहीं बनी गाजर गंदी हो जाएगी आपकी, ये आप क्या कर रहे हो? तो गंदी गाजर खाओगे हैं? बात सुनो, इधर देखो, गंदी गाजर खाओगे क्या? गाजर पे वही मिट्टी लगा रहे हो, वही खाई जा रहे हो आप। अहमद अहमद आप बताओ ना अपने छोटे भाई को क्या कह रहा है ये? तो अहमद को कहा कि अपने छोटे से कज़न को कुछ इन्फॉर्मेशन दे कि इतना नहीं करते आप, इस तरह क्यों कर रहे हो, ये बुरी बात होती है, थोड़े अपने कज़न को बताएं कि इस तरह की हरकतें नहीं करते, क्योंकि वो तो खैर बच्चा है, वो तो करेगा, समझाना हमारा काम है। अहमद आज आपने क्या किया, क्या खाया? क्या गाजर खाई? गाजर खाया, गाजर खाई है, और क्या खाया? अच्छा बोलो सबको, सबको ईद का तीसरा दिन मुबारक, ईद मुबारक। अच्छा सर सबसे पूछो, आपने गाय दीपा कर ली, बकरा दीपा कर लिया हैं, बकरे की बोटी खा ली? अच्छा ये बताओ आपने कितनी बोटी खाई है? ऐसे नहीं करते गिरोगे। आपने बोटी खाई है बकरे की? मजे की थी? कितना मजा आया खा के हैं? कितना मजा आया? और क्या खाया आपने? बोटी का सालन खाया, टिक्का बोटी खाई है? खैर मैं अहमद से पूछता हूँ कि आपने और क्या क्या मज़ेदार खाने खाए हैं इस दो दिनों में, और आज, और अहमद से पूछते हैं कि अहमद आज आपका क्या खाने का दिल चाह रहा है ईद के तीसरे दिन, जो कि आपकी फरमाइश पे हम बनाएं।
तो लेट्स सी, चलते हैं अहमद की तरफ। अहमद जी, आप कुछ बताएंगे हमें? दमपुख खाने का दिल कर रहा है। दमपुख तो आपने कुछ ज़्यादा बड़ी फरमाइश कर दी, लेकिन छोटी सी फरमाइश में यही हो सकता है कि हम अहमद को दमपुख तो खिला सकते हैं। यहाँ से एक मुर्गी का दमपुख बनाते हैं, मुर्गी ला के तो अहमद को वो वाला दमपुख बना के फ्राई करके खिला देते हैं। क्यों अहमद, ये दमपुख तो आपके लिए कैसा रहेगा? है? अच्छा है? तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की शदीद कमी हो गई है, तो लाइट को ना चला ली जाए। लाइट सही चल नहीं रही। क्या हुआ, क्या फेंक दिया? क्यों फेंकी है भाई, से पूछो क्यों फेंकी है। अजान अजान आप क्या कर रहे हो? आपने गाजर क्यों फेंकी? आपका भाई कह रहा है आपने गाजर फेंक दिया, अब आप क्या खाओगे? तो ये आप देख सकते हैं कि अजान को आप लोग देख सकते हैं कि अजान को, अजान मुश्किल तौर पे खिड़की में खड़ा है, तो अजान मेरी बात आज बिल्कुल भी नहीं सुन रहा। तो असल कोशिश करते हैं कि अजान को हम थोड़ा सा इस व्लॉग में ले तो रहे हैं, लेकिन वो बाई फेस इस व्लॉग में आ नहीं रहा, तो वो खिड़की में खड़ा हुआ है। तो कोशिश करते हैं कि वो इस व्लॉग में आए और हमसे थोड़ी सी बात करें। अहमद से, दोनों अहमद से तो बातें हो रही हैं हमारी मुसलसल, और अहमद सॉरी अजान थोड़ी मस्ती कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी बात मान नहीं रहा। अदान आप क्या देख रहे हो बाहर? हैं? अजान को बस अपनी जगह से हिलाने का एक यही छोटा सा आसान तरीका है कि इसे एक गुदगुदी कर दो तो ये अपनी जगह से हिल जाता है। ये आप देख सकते हैं अहमद ने अच्छे तरीके से इसे नीचे उठाया। भाई भाई क्या कर रहा है? गुदी गुदी हैं हैं अजान, भाई क्या कर रहा है? भाई से बातें नहीं करनी आपने? नहीं भाई है, भाई अहमद भाई। तो ये आप देख सकते हैं कि इन तीनों की मस्तियाँ जा रही हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि इन तीनों की मस्तियाँ जा रही हैं, तीनों अपनी मस्तियों में लगे हैं। साफ अपने आगे इनका व्लॉग बनाया जा रहा हूँ। तो आज का ये स्पेशल दिन है, तो इस वजह से थोड़ी सी मस्ती तो बढ़ रही है, तो बच्चों में मस्ती हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। ये अजान खुश हो रहा है। अजान आपका गला खराब हो जाएगा, आप इतना क्यों चीख रहे हो? क्यों चीख रहे हो? आपका गला खराब हो गया? नहीं, बुरी बात, गले की ब्रेकें फेल हो गई हैं। तो ये अहमद से हमने थोड़ा सी मशवरा लिया, तो अहमद का कहने का मतलब ये है कि अजान की गले की ब्रेकें फेल हो गई हैं, पता नहीं क्यों अहमद ने क्या सोच के ये बात की है, मुझे भी समझ नहीं आ रही। तो ये एक दफ़ा फिर से अहमद और अजान खिड़की में पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं अजान नीचे बैठ चुका है। अजान पता नहीं क्या सोची जा रहा, क्या कर रहे हो आप? तो आप देख सकते हैं कि इनकी मस्तियाँ जा रही हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि इनकी मस्तियाँ जा रही हैं। ये आज लगता है इनका ईद के तीसरे दिन तैयार होने का कोई मूड नहीं है, क्योंकि ये दो दिन मुसलसल थक चुके हैं। अहमद ने जंप नहीं मारनी, आप क्यों ऊपर चढ़े हो? हैं? ये अहमद यहाँ पे मस्ती कर रहा, तो आप देख सकते हैं कि बड़ा अहमद छोटे अजान के साथ मस्ती कर रहा है, अजान को बातों में लगा रहा है, और अजान पता नहीं आज शोर क्यों कर रहा, मुझे समझ नहीं आ रही। तो आप देख सकते हैं, आपने कि कुछ बातें करनी है कि नहीं है, शोर ही मचाना है, मुझे ये बात बता दो। हैं अहमद, आपने बातें नहीं करनी? चाचू से बातें नहीं करोगे? हैं? क्या मोबाइल पर कोई गम नहीं हुआ? आप बात ही नहीं कर रहे चाचू से, मस्ती करी जा रहे हो। अहमद अजान भी बात नहीं कर रहा, चाचू से बात नहीं करनी आपने? पानी कहाँ से लेके आ रहे हो? ओए
ये क्या कर रहे हो आप? खांसी हो रही है? हैं? आपने चीज़ क्या खाई है आज? पानी का ये इसका क्या करना है आपने पानी का? आज आपने चीज़ नहीं खाई? हैं? और ये आप क्या कर रहे हो? टक्कर नहीं मार देना, चोट लग दी है। क्या गाय टक्कर मारती है? गाय टक्कर मारती है, जान टक्कर नहीं मारता। क्या वहां ये क्या कर रहे हो? अजान ये क्या होता है? अजान अजान क्या है? ये क्या बना रहे हो आप? चाय बना रहे हो? चाय यहाँ पे बनती है? हैं? तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों चाय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्यों इन्हें ट्राली में चाय 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 कितने से मिल गई आपको? हैं? तो हमें लगता है आपका तो बात करने का सीधे से मूड ही नहीं है। आपका छोटा भाई, उसका मूड था नहीं व्लॉग में आने का। तो क्या क्या हुई है आपकी उससे बात? क्या क्या बात हुई है जो आना नहीं जा रहा? वैसे क्या मतलब? वैसे बस आया है, नहीं आया, आया। जी। तो क्या कर सकते हैं कि अपनी मर्जी से अब नहीं आया तो क्या कर सकते हैं? हैं? बात नहीं सुना तो अब तो चले आप भी बना लेते हैं। थोड़ा सा आप हो गए, थोड़े से आपके दो कजन हो गए तो इनको बना लिया थोड़ा सा। आप लोग देख सकते हैं कि सारे आइए था हमारा ईद का तीसरे दिन का व्लॉग, तो आप लोग देख सकते हैं इनकी मस्तियाँ मुसलसल जा रही हैं। दोनों अपने अपने मस्तियों में लगे हुए हैं। तो ये आप क्यों छुप रहे हो यहाँ पे? हैं? छुप क्यों रहे हो? क्यों छुप रहे हो? हैं? चोट लगेगी आपको। तो इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें कुछ बोलना चाहेंगे आप? चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर से मुलाकात होगी, तब तक ले दीजिए हम सबको ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।